नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। गीतकार मनोज मुंतशिर ने मंगलवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। इससे पहले रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्होंने निशाना साधा। मनोज मुंतशिर ने कहा कि विदेशी माता से पैदा हुआ बेटा राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता, प्रॉब्लम डीएनए का है। रविंद्र भवन में मुंतशिर नामा में मैं भारत हूं विषय पर बोलते हुए मनोज मुंतशिर ने कहा कि भारत दुनिया में ऐसा अकेला देश है जहां देशभक्ति सिखानी नहीं पड़ती, हम इसे अपने डीएनए में लेकर पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि अभी हमने चीन को भगाया, हमें दुख होता है जब एक गैर जिम्मेदार राजनेता कहता है कि हमारे देश के सैनिक चाइनीज सैनिकों से पिट गए। उन्होंने कहा कि इतनी शर्मनाक भाषा का प्रयोग कोई आखिर कैसे कर सकता है। मनोज मुंतशिर ने कहा कि मैंने चाणक्य को पढ़ा है, मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के बयान को कोट कर रहा हूं। कहा कि विदेशी माता से पैदा हुआ बेटा कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। बाकायदा उन्होंने चाणक्य का उदाहरण देते हुए और नाम लिए बिना राहुल गांधी पर कई सारे प्रहार कर दिए। खबर उज्जैन से है। महाकाल मंदिर परिसर में मंगलवार से मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिल्मी गानों पर वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले सामने आने के बाद मंदिर प्रबंधन समिति ने ये फैसला लिया है। इसके लिए दो हफ्ते पहले से व्यवस्था बननी शुरू हो गई थी। हालांकि महाकाल लोक में मोबाइल के प्रतिबंध पर रोक नहीं रहेगी। मंदिर प्रशासक संदीप सोनी के अनुसार श्रद्धालु तीन स्थानों पर मोबाइल जमा करवा सकेंगे। इसके लिए यहाँ लॉकर्स की व्यवस्था की गई है। परिसर में मोबाइल का उपयोग पाए जाने पर 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। लॉकर्स में मोबाइल रखने के बाद QR कोड एक टोकन दिया जाएगा। एक ही लॉकर में एक समूह में आने वाले या एक ही परिवार के लोग सभी एक ही लॉकर में अपने मोबाइल को रख सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब आने वाले दिनों में अगर परिसर में किसी ने भी मोबाइल का इस्तेमाल किया या फोटो खींची या कोई वीडियो रील बनाई तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा। ये जो हमारी प्रबंधन समिति की लास्ट मीटिंग हुई थी 5 दिसंबर को, उसमें ये निर्णय लिया गया था कि सुरक्षा कारणों से मंदिर परिसर में मोबाइल को पूर्णतः 20 तारीख से प्रतिबंधित किया जाना है। उसी के तारतम्य में फिर कलेक्टर महोदय के द्वारा एक आदेश जारी हुआ और उस आदेश में बहुत क्लियर है कि कहाँ कहाँ पर किस किस लोकेशन पर मोबाइल पूर्णतः प्रतिबंधित है। जहाँ तक महाकाल महालोक की बात है, वहाँ पर किसी प्रकार से मोबाइल प्रतिबंधित नहीं है। पिछले 15 दिनों में मीडिया के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से लोगों को बताया गया है कि 20 तारीख से मंदिर परिसर में मोबाइल का उपयोग करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही यदि कोई व्यक्ति मोबाइल का उपयोग करता पाया जाता है तो उस पर 200 रुपये का जुर्माना निरूपित किया जाएगा। और बताना चाहूँगा कि हमने कुछ सुबह से कुछ लोगों पर वो किया भी है। खबर जबलपुर से है। जबलपुर लोकायुक्त ने फिर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बरही तहसील कार्यालय में पटवारी को 5,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। जानकारी मिली कि 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए कटनी जिले के वरही पटवारी जेपी सिंह को लोकायुक्त जबलपुर ने पकड़ा है। खसरा अपडेट कराने के नाम पर पटवारी ने ये 5,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत तो लोकायुक्त को की गई थी। मंगलवार की सुबह पटवारी को उसके संदीप कॉलोनी स्थित कार्यालय से रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। जानकारी मिली है कि बरही के वार्ड नंबर 10 के रहने वाले दिलराज किशोर ने गांव में जमीन खरीदी, जिसका नामांतरण आदेश 7 नवंबर को तहसील कार्यालय बरही से हो चुका था, लेकिन उसे कंप्यूटर में अपडेट कराना था और पटवारी 5,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था। मामले की शिकायत पीड़ित द्वारा लोकायुक्त जबलपुर में की गई थी। लोकायुक्त के अधिकारियों ने मामले का सत्यापन करने के बाद मंगलवार को दिलराज किशोर को पटवारी के बरही संदीप कॉलोनी कार्यालय में पैसे लेकर भेजा। दिलराज किशोर जैसे ही पैसे लेकर बाहर निकला, टीम को इशारा किया। नरेश बेहरा ने पटवारी को 5,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। खबर देवास से है। देवास में चल रही जनसुनवाई में उस समय हंगामा मच गया जब एक व्यक्ति ने खुदकुशी करने के लिए सलपास की गोली खा ली। गनीमत रही कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसके मुंह से सलपास की गोली को निकाल लिया। व्यक्ति का नाम अरुण सोनी है, वो एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता था। इस व्यक्ति का यह आरोप है कि जिस फैक्ट्री में वो काम करता था, वहां काम करते वक्त उसका 8 महीने पहले पैर जल गया था। पैर जलने के बाद उसने खुद के पैसों से
इलाज कराया। उसका ये भी आरोप है कि कंपनी ने उसे पूरा भरोसा दिया था कि दोबारा से वो कंपनी में उसे जॉब पर रखेंगे और इलाज का पूरा खर्चा भी देंगे। 8 महीने से लगातार वो कंपनी के चक्कर काट के थक चुका था और आखिरकार जब उसे न्याय नहीं मिला तो उसे ये कदम उठाना पड़ा। खबर उज्जैन से है। उज्जैन के घाटिया तहसील के अंतर्गत गांव बिछड़ोद की एक महिला अपने परिवार के साथ जन सुनवाई में पहुंची। वृद्धा ने उज्जैन के नागेश्वर धाम में रहने वाले अपने पोते और रिटायर्ड आर्मी सैनिक पर आरोप लगाया कि लगभग 1.5 साल पहले पहला फुसलाकर वृद्धा पेंशन का बहाना बनाते हुए दान पत्र पर अंगूठा लगवा लिया। वृद्धा के नाम लगभग 10 बीघा कृषि भूमि बताई जा रही है। 3 महीने पहले जब पोते योगेश राठौर के नाम जमीन का नामांतरण हुआ तब वृद्धा भूली भाई को अपने साथ हुई इस पूरी धोखाधड़ी की जानकारी लगी। उसने बताया कि उसका सबसे बड़ा बेटा गणेश चंद्र राठौर और उसका पुत्र योगेश राठौर दोनों इस मामले में शामिल हैं। मंगलवार को वृद्धा अपने परिवार के साथ कलेक्टर के सामने अपनी जमीन वापस दिलाने की गुहार लगाने के लिए पहुंची। खाचरोद में एक बार फिर से पुलिस की नाकामी उजागर हुई है। खाचरोद क्षेत्र में पुलिस से मानव जनता का विश्वास उठने सा लगा है। आए दिन जानवरों के साथ साथ दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन चोरी होने घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले महीने 2 से 3 मंदिरों की चोरियों का भी पता खाचरोद पुलिस नहीं लगा पाई। 17 दिसंबर को सुबह 4 बजे लगभग स्टेशन रोड से 9 लाख कीमत की तूफान गाड़ी चोरी होने की खबर सामने आई। 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली बताए जा रहे हैं। फरियादी ने अपने स्तर से सीसीटीवी कैमरे खंगाले जो बड़नगर रोड पर जाती हुई गाड़ियां उसमें देखी गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामला का कब तक खुलासा कर पाती है ये देखने वाली बात होगी। खबर शिवपुरी से है। शिवपुरी जिले में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल का आज 5वां दिन है। संविदा कर्मचारी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 15 दिसंबर से हड़ताल पर है। इसके तहत जिले के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। सोमवार को हड़ताल पर बैठे सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने तात्या टोपे पार्क पर एक बैठक आयोजित की। बैठक में कई संगठनों ने स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। संविदा स्वास्थ्य कर्मी अखिल शर्मा ने बताया कि शिवपुरी में 16 दिसंबर से सभी स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं जिसके कारण जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। स्वास्थ्य केंद्रों पर ताले लटके होने की वजह से टीकाकरण जैसे शासकीय कार्य रुके पड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों की हड़ताल आशा कार्यकर्ताओं ने भी अपना आप समर्थन दिया है। आशा कार्यकर्ताओं के कार्य बंद कर देने से गर्भवती महिलाओं को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही प्रगतिशील कर्मचारी संघ और मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल को पूरा समर्थन किया है। फिल्म पठान के गाने के विवादित दृश्यों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का यह कहना है कि अभी फिल्म या गाना उन्होंने देखा नहीं है, यदि उसमें आपत्तिजनक कुछ होगा तो उसे रोकेंगे। मंत्री ठाकुर ने ये बात ग्वालियर में भारतीय संगीत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित महोत्सव तानसेन समारोह 2022 के शुभारंभ के बाद मीडियाकर्मियों के सवालों के जवाब में कही। उन्होंने पठान फिल्म के गाने से भारतीय संस्कृति को हो रही अवहेलना को लेकर सवाल पूछे जाने पर कहा कि किसी की अवहेलना करने से कुछ होता जाता नहीं है, हम अपनी ही कुत्सित मानसिकता का परिचय देते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि हम श्रेष्ठ वाद की तुलना खराब शब्द से कर दें तो उसकी श्रेष्ठता पर तो कोई आँच नहीं आती, पर हाँ आपकी बुद्धि का परिचय समग्र समाज को जरूर मिल जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में फिल्म का बहिष्कार करने को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ना तो फिल्म या गाना मैंने देखा, ये तो दर्शकों और श्रोताओं पर निर्भर करता है कि वो क्या देखना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं। गाने में भगवा रंग के इस्तेमाल को लेकर हो रहे बवाल पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि उसमें आपत्तिजनक कुछ होगा तो उसे रोकेंगे। भिंड जिले की अंडोरी थाना पुलिस ने नाबालिग का देह शोषण कर उसे देह व्यापार के कारोबार में धकेलने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। अंडोरी थाना पुलिस ने कमल नागर और शिवा पंडित को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस अब ये पता लगा रही है कि नाबालिग लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर खुद उनका देह शोषण कर देह व्यापार में कितनी लड़कियों को धकेला गया। दरअसल जिले के गोहद चौराहे स्थित एक ब्यूटी पार्लर में काम सीखने के लिए एक नाबालिग लड़की जाती थी। इसी दौरान शिवकांत नाम के एक युवक ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें शेयर कर दी। बताया भी जाता है कि आरोपी ने उसका एक अश्लील वीडियो भी बना लिया जिसे वायरल करने की वो अक्सर धमकी देता और उसे देह व्यापार में धकेलता। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर छतरपुर से है। छतरपुर में चलती कार में महिला की डिलीवरी का मामला सामने आया है। बस ड्राइवर बस को सीधा जिला अस्पताल के अंदर ले गया। दरअसल सागर के रहने वाले पति पत्नी दिल्ली से सागर जा रहे थे, तभी छतरपुर से 5 किलोमीटर पहले प्रसूता को दर्द हुआ, जिसकी बस ड्राइवर को जानकारी लगते ही ड्राइवर ने मानवता दिखाते हुए बस को सीधा जिला अस्पताल के अंदर ले गया और समय रहते महिला को भर्ती कराया, जहां बच्चा और मां दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। जेबीटी लाइव पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।